हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं वर्ड बेस्ड एनालॉगी का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू हम आज कवर करने जा रहे हैं, और इसके पहले मैंने पार्ट वन भी कवर करा दिया है। आप चाहे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और ये हम वर्ड बेस्ड एनालॉगी का पार्ट टू करने जा रहे हैं, और मैंने वर्ड बेस्ड तो करा ही रहा हूँ, और साथ में इसका मैंने नंबर बेस्ड का भी दो पार्ट करा चुका है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आज डार्क फियर, तो ऑनेस्टी का क्या होगा क्वेश्चन मार्क। डार्क मतलब अंधेरा, जैसे कि हम जानते हैं अंधेरा में हमें डर लगता है, अंधेरा डर दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, अंधेरा डार्क एंड फियर मैच कर रहा है दोनों। तो ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी मतलब सत्य ये सब। ठीक है, तो ऑनेस्टी के संग क्या मैच कर रहा है ऑप्शन में हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ट्रस्ट पता कर सकते हैं कि ट्रस्ट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑनेस्टी से आपका थोड़ा मिलता जुलता है, ट्रस्ट ऑनेस्टी का हो जाता है ट्रस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द सूटेबल ऑप्शन फॉर ऑनेस्टी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन टू है इनफ सफिशियंसी, तो एक्सेस क्वेश्चन मार्क, एक्सेस का क्या हो जाएगा। इनफ मतलब हो जाता है आपका काफ़ी है, जो भी है काफ़ी है, इनफ हम सेटिस्फाई हैं, इनफ काफ़ी है। ठीक है, सफिशियंसी मतलब आप मतलब सेटिस्फाई हैं हम। एक्सेस मतलब हो जाता है अधिकतर, अधिक में, तो इसका मैच खा रहा है आपका सरप्लस से। सरप्लस मतलब होता है अधिकतर, अधिक ज़्यादा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इससे मैच खा जा रहा है आपका सरप्लस, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थ्री, तेहरान और ईरान और देन बेजिंग और देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम सिंपली, ये थोड़ा इजी है, सिंपली हम देख सकते हैं, तो तेहरान है ना, ये आपका ईरान का कैपिटल है, ईरान का कैपिटल है, ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। तो वैसे ही बेजिंग कहाँ का कैपिटल है, ऑप्शन से देख चेक करते हैं। बेजिंग का कैपिटल हो जाता है चाइना। ठीक है, तो चाइना इज़ द सूटेबल ऑप्शन, चाइना, चाइना का कैपिटल हो जाता है आपका बेजिंग। क्वेश्चन फोर पे चलते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड बर्ड्स देन एंथ्रोपोलॉजिस्ट देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये स्टडी बता रहा है। ठीक है, जो बर्ड से रिलेटेड, जो पंछियों से रिलेटेड जो स्टडी होता है, वो जो स्टडी करते हैं हम उन्हें बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स से रिलेटेड पढ़ाई। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसके स्टडी में आता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है आपका मैनकाइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव विज्ञान। ठीक है, मानव विज्ञान बोलते हैं जिसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिफ्थ, टैनिंग लेदर देन पायरोटेक्निक्स क्वेश्चन मार्क। ये जो टैनिंग लेदर है ना, ये आप देख सकते हैं, टैनिंग हम कराते हैं, लेदर पे भी कराते हैं। ठीक है, तो ये जो एक प्रोसेस है जो कि हम लेदर के मटेरियल्स पे करते हैं। ठीक है, और आपका पायरोटेक्निक्स ये हो जाता है, ये एक टेक्निक है, मतलब आप बोल सकते हैं ये एक फायरवर्क से रिलेटेड है, मतलब आतिशबाजी से रिलेटेड है ये वाला। ठीक है, फायरवर्क्स इसका आंसर हो जाता है। पायरोटेक्निक मतलब आतिशबाजी से रिलेटेड स्टडी, कुछ फायरवर्क से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है हमारा, शार्क फिश देन लैवेंडर क्वेश्चन मार्क। शार्क तो हम जानते हैं, ये एक तरह का क्या है, मछली है, इज ए टाइप ऑफ फिश शार्क। देन लैवेंडर क्या है, लैवेंडर इज ए टाइप ऑफ श्रब। श्रब मतलब हो जाता है आपका झाड़ी, श्रब मतलब हो जाता है आपका झाड़ी। ठीक है, झाड़ी लेवेंडर। ठीक है, क्वेश्चन सेवन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन सेवन है, ये थोड़ा इजी है, आप पता कर सकते हैं। बटर मिल्क देन बुक क्या। ये जो बटर है, बटर कैसे बना, बटर तो मिल्क से ही बना है, बटर
बटर कैसे बना है? मिल्क से बना है। तो वैसे ही बुक किस चीज़ से बना है? बुक किस चीज़ से बना है? तो बुक आपका देख सकते हैं यहाँ पे, पेपर। पेपर इज द मोस्ट सूटेबल एंड ऑप्शन फॉर दिस। देन पेपर से बना है आपका बुक, पेपर से बना है बुक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 है, ये तो और भी सिंपल है। कार, पेट्रोल। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो आप अपने से करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तभी आप आगे बढ़िए, वीडियो कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कार पेट्रोल, तो टेलीविजन क्वेश्चन मार्क। कार पेट्रोल, यहाँ से हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन इन दोनों का परफेक्ट बन रहा है, क्योंकि कार अधिकतर पेट्रोल से चलने वाला कार हम देखते हैं। ठीक है, अधिकतर कार पेट्रोल पे चलता है, और तो टेलीविजन पीछे से चलता है। टेलीविजन के लिए ज़रूरी चीज़ है इलेक्ट्रिक सिटी, तो इलेक्ट्रिक सिटी इज द मेन पार्ट ऑफ दिस टेलीविजन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिग, फैरो, देन डॉग क्वेश्चन मार्क। ये फैरो मतलब हो जाता है ना, पीग मतलब तो आप जानते हैं सुअर, फैरो मतलब हो जाता है आपका जो बच्चे, बच्चे ठीक है, यंग वंस जिसको बोलते हैं हम बच्चे, तो पीग के बच्चे को हम लोग बोलते हैं फैरो, फैरो। देन डॉग के बच्चे को हम लोग बोलते हैं पप्पी, ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बोलते हैं हम लोग, डॉग के बच्चे को बोलते हैं पप्पी। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10, मैटॉक डिग देन शोवेल क्वेश्चन मार्क। मैटॉक मतलब है आपका एक तरह का कुदाल होता है, जिससे जो हम एग्रीकल्चर के फील्ड में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डिग मतलब खोदना, डिग मतलब हो जाता है आपका खोदना, डिग मतलब खोदना। ठीक है, डिग मतलब खोदना, जो कि मैटॉक से होता है। और शोवेल का क्या काम होता है? शोवेल एक तरह का ये है, स्कूप है, स्कूप बोल सकते हैं आप, एक तरह का स्कूप है। जैसे बर्फ वर्फ जम जाता है ना, तो उसको उठा के फेंकने के लिए काम लगता है स्कूप, जो कि उसका फिगर कुछ इस तरह से रहता है। आप देख सकते हैं, मैं बना के दिखाता हूँ, इस तरह से कुछ इसका हैंडल रहता है, ऐसे ये स्कूप ऐसा होता है कुछ, ये थोड़ा सा अंदर के ना कर्व टाइप का होता है थोड़ा, ताकि उठा के फेंकने के लिए काम में आता है। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।